latest updates, please subscribe. सावन की पवित्र माह में शुरुआत हो चुकी है। इसी जगह से भक्तगण अलग अलग तरीकों से भगवान शिव को वश में करने की कोशिश करते हैं। हर कोई यही सोचता है, इसी वजह से भक्तगण अलग अलग तरीके से भगवान शिव को आराधना करते हैं। हर कोई यही सोचता है कि किस तरह पूजा पाठ करेंगे कि भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। वैसे तो भगवान शिव को भोले भंडारी कहते हैं, जो केवल भाव के भूखे हैं। श्रद्धा भाव से साधारण तरीके से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में महादेव की पूजा अभिषेक से की जाती है। शिव जी को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, गन्ना रस से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूध, कुशा, कमल, नीलकमल, ओक, मदार, जवा फूल, कनेर, राई फूल आदि चढ़ाकर खुश किया जाता है। इसके साथ ही भोग में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वे मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीज़ों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के मुताबिक जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव को 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1,000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र, 1,000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमीर बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने का आसान तरीका है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। सावन माह में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू परेशान हो गया और डाकू पेड़ पर छुपकर बैठा था। वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहां वो बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद से बेलपत्र का महत्व बढ़ गया। नेक्स्ट मैन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।